हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम आप लोग के लिए एक ये ग्लव्स का पैटर्न लेकर के आए हैं। ये हाफ फिंगर ग्लव्स हमने रेडी किए हुए हैं। बहुत ही ये इजी पैटर्न है एंड बहुत ही यूज़फुल भी रहता है विंटर के लिए। जैसे अगर आप ग्लव्स वगैरह पहने से विंटर में सबको ठंड लगती है, हैंड्स में बहुत ठंड लगती है, आपको बाइक ड्राइव करनी हो या फिर आपको इसे मोबाइल वगैरह चलाना हो, तो अगर आप फुल फिंगर वाले ग्लव्स अगर आप पहनते हैं तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा मोबाइल चलाने में इन सब में प्रॉब्लम होती है। बट हाफ फिंगर जो ग्लव्स होते हैं इसमें आपके फिंगर्स फुली फ्री रहते हैं, तो आप इजीली कोई भी वर्क आप अपना कर सकते हैं। इससे बहुत ही कम्फर्टेबल भी रहता है ये। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को ये पैटर्न बनाना बताएंगे। जैसे ये एक पीस हमने ये रेडी किया हुआ है, ये हमने रेडी किया था बेबी सॉफ्ट वूल से, ये फीमेल के लिए हमने रेडी किया है। बट जो आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे वो हम आपको बताएंगे ओसवाल पारसमनी वूल से एंड मेल के साइज के अकॉर्डिंग उसको हम बताएंगे। चलिए फिर अब हम देख लेते हैं। इसके लिए देखिए हम ये कलर अपना यूज कर रहे हैं, दिस वन एंड द ब्लैक वन। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सिंगल कलर से भी आप वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें टू कलर से वर्क कर रही हूँ। एंड इसके अंदर हमें हुक साइज, देखिए दो हुक साइज की नीड होगी इसमें, 4.5 mm देन 4 mm, ये दोनों हुक साइज हम इसमें यूज करेंगे। मेन हम अपने ग्लव्स का पैटर्न जो है इस कलर से करेंगे एंड ब्लैक कलर की उसमें हम बॉर्डर लाइन देंगे। चलिए फिर अब हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग हम अपनी 4 mm हुक साइज से कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऐसे एक मैजिक रिंग नहीं स्लिप नॉट वर्क कर रहे हैं। इस पे हम चेन वर्क करेंगे 15 चेन्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 15 चेन्स देखिए हमने टोटल में वर्क की है ये। अब यहां से हम देखिए फर्स्ट चेन को अपनी स्किप करेंगे, जो हुक पे है इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट को हम स्किप करेंगे, सेकंड वन पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। एवरेज स्टिच पे हमें वन सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। देखिए टू सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। ठीक है, टोटल हमने ये 14 सिंगल क्रोशिया का वर्क किया। हमने 15 चेन्स ली थी एंड वन को हमने यहाँ पे ड्रॉप करके सेकंड से हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट रो के लिए वन चेन हम लेंगे, वर्क को इस तरीके से टर्न कर लेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टू लूप्स हैं हमारे। ये एक ब्रेड टाइप की वर्क हुई है, इसमें जो हमारा ये बैक लूप है इस पर हमें वर्क करना होगा। ये देखिए एवरेज स्टिच पे वन सिंगल क्रोशिया का वर्क करेंगे बट ओनली इन द बैक लूप। कि विंटर में आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए। इसके साइज को भी इजिली कस्टमाइज किया जा सकता है। आप अपने हैंड का या जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो उसके आप हैंड का साइज ले लीजिए इंची टेप से या मेजरिंग टेप से, उससे आप इजिली जो है इसको किसी भी साइज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते हुए अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो, इजिली समझ में भी आ रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए ये हमारे वर्क हो गई रो। नेक्स्ट रो के लिए वन चेन, वर्क को टर्न कर लेंगे। यहां पे देखिए टू लूप से हमें ओनली बैक लूप पे वर्क करना होगा। ये रो भी सेम वे में कंटिन्यू होगी, वन सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच इन द बैक लूप ओनली।
सो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं हम। देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो के लिए वन चेन लेकर के वर्क को टर्न करके अगेन सेम वर्क, वन सिंगल क्रोशन ईच स्टिच इन बैक लूप। देखिए इसी तरीके से इसे हमें कंटिन्यू करना होगा और इसकी टोटल हमें 34 रोज वर्क करनी है। जैसे अभी हमारी कितनी रोज वर्क हुई है, 1, 2, 3, ये हम फोर्थ रो पे है। टोटल हमें इसकी 34 रोज कंप्लीट करनी होगी। इतना हम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वर्क आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हम आपको इसके रोज काउंट करके भी दिखा देते हैं। देखिए ये वन रो है एंड ये टू, तो इस तरीके से अगर आप देखें ये सेंटर का ये देख करके तो ये टू रोज हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। देखिए टोटल हमने ये 34 रोज अपनी कंप्लीट की हैं। अब हमें इसको देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेंस के साइज के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो अगर आप इसका साइज कम करना चाहें, एक नॉर्मल अगर आप बेसिक साइज देखें तो 32 रोज का ही ये वर्क होता है। बट मैं जिनके लिए वर्क कर रही हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं ऑर्डर पर वर्क करती हूँ, तो ये मेरा एक ऑर्डर का पीस है, तो उनका हैंड थोड़ा सा भारी है, तो उस अकॉर्डिंग मैं इसे 34 रोज वर्क कर रही हूँ। बट अगर आप एक नॉर्मल साइज में वर्क करें तो आप 30-32 रोज भी वर्क कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे एक वन चेन ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए हम इसको, अब हमें इसको ज्वाइन करना होगा। देखिए यहां से जो हमारी, देखिए बोथ लूप्स हम ले रहे हैं, जो हमारी ये फर्स्ट है एंड यहां की फर्स्ट, इस तरीके से लेकर के हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अगेन इधर से लेंगे एक स्टिच एंड एक स्टिच इस तरफ से। ये आप ध्यान रखें कि एक भी स्टिच आपका स्किप नहीं होना चाहिए। देखिए टू, और बहुत ही टाइट हैंड से वर्क ना करें इसको, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11। देखिए टोटल हमने ये 14 चेन्स पे वर्क करे थे, 14 सिंगल क्रोशिया, तो ये 14 हमारी स्लिप स्टिच होनी चाहिए, 12, 13 एंड द वेरी लास्ट वन 14। देखिए इस तरीके से हमने इसको ज्वाइनिंग कर ली है। अब इसको इस तरीके से फ्लिप कर दें, ये हमारा अपर साइड जो हैंड का वर्क होगा, ये हमारा लोअर साइड है। यहां से अब हमें देखिए इस थ्रेड को हम साथ में सिक्योर कर देंगे। अभी यहां से वन चेन ले लेते हैं। अब हमें देखिए इस पे वर्क करना होगा। जैसे हमारे ये टोटल 34 रोज है, तो यहां हमें 34 सिंगल क्रोशिया का वर्क करना होगा। इसको काउंट करते रहे, 1, 2, 3। देखिए इसी अकॉर्डिंग आप एवरी स्टिच पे 1-1 सिंगल क्रोशिया का वर्क करते हुए काउंटिंग में टोटल 34 सिंगल क्रोशिया का वर्क कंप्लीट कर ले। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये हमने 34 सिंगल क्रोशिया का वर्क कर लिया है। अब हम अपना हुक साइज देखिए चेंज करेंगे। अब हमें 4.5 mm हुक साइज का यूज करना होगा। एंड यहाँ पे अब हमें देखिए स्टिच मार्कर की नीड होगी। स्टिच मार्कर अभी हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह आप अगर स्टिच मार्कर ना हो तो कोई ऐसे थ्रेड भी यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट स्टिच पर हमें स्टिच मार्कर लेना होगा। अब देखिए यहां से जो हमारी वेरी फर्स्ट स्टिच होगी, दिस वन, यहां पे हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। एवरी स्टिच पे हमें वन सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा और ये ओवरऑल राउंड में हमारे 34 सिंगल क्रोशिया का वर्क होगा। सो इसको कंटिन्यू कर ले। देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, 34 सिंगल क्रोशिया का वर्क हमने कर लिया। अब इस राउंड में अब हमें इंक्रीजिंग करनी होगी। पहले फर्स्ट स्टिच पर हम अपनी इस तरीके से देखिए हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया, 1, 2 एंड 3, 3 सिंगल क्रोशिया का वर्क हमने लिया है। इसके बाद से अब हमें इंक्रीजिंग करनी होगी 2 की, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया एंड 3 सिंगल क्रोशिया, अगेन इंक्रीजिंग। देखिए इसी तरीके से इस रो में हमें एवरी 3 सिंगल क्रोशिया के बाद से 1 की इंक्रीजिंग लेनी होगी। इंक्रीजिंग में हम 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच वर्क करते हैं। इसी तरीके से इसे कंटिन्यू कर ले। ये देखिए हमने यहां तक अभी वर्क किया है, स्टिच मार्कर अभी हमारा इस जगह पे है। यहाँ पे हमारी देखिए इंक्रीजिंग हमने यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे हमारी इंक्रीजिंग के बाद से 2 स्टिचेस लेफ्ट है, इन दोनों पे नॉर्मली 1-1 सिंगल क्रोशिया का वर्क कर लेंगे हम लास्ट की 2 स्टिचेस पे। अगेन हम अपना स्टिच मार्कर ये ले लेते हैं। इस रो में अब हमें एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। हम टोटल स्टिचेस को भी काउंट कर लेते हैं। अब इस रो में देखिए हमारी 2 वर्क हो गई है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसी तरीके से इसे कंटिन्यू कर ले। देखिए ये रो भी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है और टोटल इस रो के एंड में हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया का वर्क हो रहा है। अब यहां से नेक्स्ट रो अगेन हम सेम वर्क कर लेते हैं, 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। इसको कंटिन्यू कर ले। देखिए ये रो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, ये हमारी लास्ट स्टिच है इस रो की। यहां पे देखिए अब हमें कलर चेंज करना होगा। हम इसमें जैसे ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं, अगर आप सिंगल कलर से वर्क करना चाहें तो आप सेम वर्क को ही कंटिन्यू करेंगे, बट अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कलर चेंज हम इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का ही वर्क लेना होगा हमें। इस वाले थ्रेड को जो हमारा अभी वर्किंग थ्रेड है, मेन थ्रेड, इसको हम बस एक स्टिच साथ में ले रहे हैं, ज्यादा हम इसको साथ में नहीं लेंगे क्योंकि अगेन अभी हमें आगे इससे वर्क करना है। यहाँ पे देखिए हम थ्रेड को भी कट नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोग को इसके आगे का थोड़ा वर्क बता देती हूँ। अब हमें ये देखिए हम 2 रोज इसकी ब्लैक कलर की यूज करेंगे, अगेन हम फिर इस वाले कलर से ही मेन कलर से वर्क करेंगे। एवरी 5 रोज के बाद से हम 2 रोज जो है वो ब्लैक कलर की वर्क करेंगे। तो हम अब इसको वर्क करते हैं कंटिन्यू, एंड यहाँ जो हमारा थंब का पार्ट होता है इतना वर्क हम कंप्लीट करके फिर हम आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ तक हमने अपना वर्क अभी कंप्लीट किया है। अब हमने स्टिच मार्कर भी यहाँ पे ले लिया था। ये अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा, मैं आप लोग को एक्चुअली वेयर करके दिखाती हूँ पहले। ये हमें देखिए वर्क यहाँ तक का करना है अपने, जहाँ से हमें थंब को स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक के साइज के लिए आप अपने साइज या जिसके लिए बना रहे हो आप उसका एक बार आप मेजरमेंट ले लें, उतनी रोज आप कर लें। मैंने कितनी रोज की मैं आप लोग को काउंट करके दिखा देती हूँ। ये 5 यहाँ पे हमने वर्क की थी, 2 का हमने ये बॉर्डर लाइन की है, अगेन हमने 5 की है, अगेन 2 की बॉर्डर लाइन, 5, 5, 10, 2, 2, 4, 14 रोज टोटल हमने वर्क की हुई है। आप इसमें चाहें तो अपने साइज के अकॉर्डिंग एक दो रोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब यहां पे थंब का वर्क कैसे करना होगा ये मैं आप लोगों को दिखाती हूं।
देखिए पहले हम स्टिच मार्कर को रिमूव कर रहे हैं। एक्चुअली ये हमारी फर्स्ट स्टिच है। यहाँ पे हमें कलर चेंज पहले करना होगा लास्ट स्टिच पर अपनी। तो लास्ट स्टिच को भी हम ओपन कर रहे हैं, पहले हम इस पर कलर चेंज कर लें। जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये हमने अपनी लास्ट स्टिच पर ये कलर चेंज कर लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें, ये हमारी फर्स्ट स्टिच है, फर्स्ट स्टिच पे भी हम वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम देखिए थंब का हमें पहले पार्ट लेना होगा। इसके लिए हम यहाँ से देखिए 7 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ से हमें 7 स्टिचेस को स्किप करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8th पे हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी जो फर्स्ट स्टिच है, स्टिच मार्कर भी हम बाद में कर लेते हैं इस पर। यहां से हमें एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। इसको कंटिन्यू कर लें। ये देखिए ये हमने यहां तक वर्क कर लिया है। अब यहां से हमारी ये फर्स्ट स्टिच जो हमारी है, जो हमने इस पे वर्क चेन्स वर्क की हैं, इस पे हमें देखिए वर्क करना होगा। 2 लूप्स लेकर के हम वर्क कर रहे हैं। ये अब सिंगल लूप पे हम वर्क करते हैं इसको। ये हमारे फर्स्ट स्टिच है, यहां पे स्टिच मार्कर कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल देखिए हम 7 सिंगल क्रोशिया का वर्क ले रहे हैं इस पे। यहां से अगेन अब हमें देखिए एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा। इसको कंटिन्यू कर ले। ये देखिए यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इस रो पे अब देखिए हमें इंक्रीजिंग करनी होगी। देखिए हमारी फर्स्ट स्टिच है और ये जो ब्लैक वाला थ्रेड है इसको हमने कट नहीं किया है। इसको एक आप स्टेप ऊपर लेते रहें एवरी फर्स्ट स्टिच पर, जिससे कि जब आपको ये ब्लैक थ्रेड से वर्क करना हो तो इसको आपको ज़्यादा लॉन्ग नीचे से नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1 सिंगल क्रोशिया ने लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सिंगल क्रोशिया ने लिया। 9 पे हम इंक्रीजिंग करेंगे, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगेन इंक्रीजिंग। इसी तरीके से इस रो को कंटिन्यू करें। एवरी 9 सिंगल क्रोशिया के बाद से हमें 1 की इंक्रीजिंग देनी होगी। ये देखिए यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग की हुई है। इसके बाद से हमारी 3 स्टिचेस लेफ्ट है। इस पर नॉर्मली 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच वर्क कर लेंगे। टोटल इस रो के एंड में हमारे पास 46 सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है। अब यहां से नेक्स्ट की 2 रोज हम अपनी, जैसे हमारे 3 रोज वर्क हो चुकी हैं, तो इस कलर के हम 5 रोज वर्क करते हैं। तो इस रो पे हमने इंक्रीजिंग की है। 2 रोज हम विदाउट एनी इंक्रीजिंग 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लेते हुए 2 रोज और कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी 5 रोज कंप्लीट कर दी हैं इस कलर की। एंड ये जो हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग की थी, इंक्रीजिंग के बाद हमारी ये 2 रोज हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें कलर चेंज करना है, क्योंकि 5 रोज के बाद से हम कलर चेंज करते हैं। स्टिच मार्कर को भी हम हटाते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टिच है। इस
हेडसेट को हम सेट कर देते हैं। देखिए इस रो में भी हमें सेम वर्क करना होगा, वन सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच लेते हुए ये ब्लैक थ्रेड की हमें टू रोज वर्क करनी होगी जो बॉर्डर लाइन हम वर्क करते हैं। और अगर आप कलर चेंजिंग ना कर रहे हो तो आप एज यूजल सिंगल कलर से ही अपने इस वर्क को कंटिन्यू करें। जो कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड्स आ जाते हैं इसको आप साथ में सिक्योर कर लें या आप इसे कट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए ब्लैक की टू रोज हम वर्क कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ब्लैक की टू रोज वर्क कर ली हैं। अब ये रो हम अगेन अपनी, देखिए हमने यहाँ पे कलर चेंज करके अपना ये मेन कलर यहाँ पे फर्स्ट स्टिच वर्क कर ली है। अब हमें ब्लैक थ्रेड का वर्क नहीं होगा तो आप चाहे तो यहाँ इसे कट करके सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखिए वन हम वर्क कर चुके हैं स्टिच। इस रो में अब हमें अगेन एक बार इंक्रीजिंग करनी होगी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन स्टिचेस हमने वर्क की हैं। ये हमारी टेंथ स्टिच पर हम इंक्रीजिंग करेंगे, टू इन द सेम। अब इस ब्लैक थ्रेड को देखिए वर्क नहीं करेंगे, अगेन यहां से नाइन स्टिचेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेंथ पे इंक्रीजिंग। इसी तरीके से इसे कंटिन्यू कर ले। ये देखिए ये हमने लास्ट इंक्रीजिंग की है। इसके बाद से हमारी जितनी, देखें कितनी स्टिचेस लेफ्ट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ये सिक्स पे हमने नॉर्मल वन वन सिंगल क्रोशिया का वर्क ले लिया है। देखिए यहां से अब हमें टू रोज जो है इस कलर की वर्क करनी होगी विदाउट एनी इंक्रीजिंग, वन सिंगल क्रोशिया ईच स्टिच। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमने आप लोगों को बताया था कि हम टू रोज और वर्क करेंगे इंक्रीजिंग के बाद से, बट हमें टू रोज की नीड नहीं लग रही है। अब मुझे लग रहा है कि साइज इतना परफेक्ट रहेगा तो इसलिए हम टू रोज ना वर्क कर रहे हैं अब। या अगर आप अपने साइज के अकॉर्डिंग देख लें, अगर आपको लगे तो आप वन टू टू रोज और भी इसमें वर्क कर सकते हैं। हम यहीं पर अब इसकी ये पॉइंट अब स्टॉप कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ से हमें इसकी फिंगर्स का पार्ट स्टार्ट करना होगा। और यहाँ देखिए अब हम कोई भी कलर चेंज नहीं करेंगे, फिंगर्स का पूरा पार्ट हम अपने से मेन कलर से ही वर्क करेंगे। देखिए सिक्स सिंगल क्रोशिया का हमने वर्क लिया है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इधर साइड अपने देख लें आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारे सिक्स स्टिच है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिक्स नहीं सेवन वर्क करना होगा। सेवन हमने इधर लिया, सेवन स्टिच हम इधर देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दिस वन। यहाँ पे आप चाहे तो एक स्टिच मार्कर कर लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। इस तरीके से टर्न करके इस स्टिच पर हमें, देखिए ये हमारी सेवेंथ अभी इधर स्टिच है, ये हमारी हो जाएगी एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन। ये हमारा राउंड अप कंप्लीट हो गया। अपने 14th स्टिच पे यहाँ पे हम स्टिच मार्कर कर लेंगे।
ओके नेक्स्ट हम रो कर रहे हैं इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. देखिए इधर साइड से हमारी हो गई, इसको राउंड बाय राउंड हमें ऐसे वर्क करना होगा, 8, 9. ये मेरी 10th स्टिच है, 11, 12, 13 and this one stitch marker stitch is 14. अब देखिए हमें इसे राउंड बाय राउंड ही इस तरीके से वर्क करना होगा। जैसे अभी हमारी कितनी रोज वर्क हुई मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, 1 and 2 रोज हमने वर्क की है। टोटल आप इसकी 4, 5, 6 अपने फिंगर के ये साइज के अकॉर्डिंग आप जितनी वर्क करना चाहें उतना आप कर सकते हैं इसको। ये देखिए हमने टोटल इसकी यहाँ पे 5 रोज वर्क की हुई है, देखिए 1, 2, 3, 4 and 5। आप चाहें तो एक दो रोज इंक्रीज कर सकते हैं। इसको कैसे क्लोज करना होगा देख लीजिए, नेक्स्ट स्टिच पर हम ले रहे हैं स्लिप स्टिच, लेकिन यहाँ देखिए हम कोई चेन नहीं ले रहे हैं अभी। इसको इस तरीके से हम हल्का सा लॉन्ग थ्रेड लेना होगा हमें, कट कर दें। देखिए यहाँ पर हमें ऐसे नीडल लेनी होगी, और इसी सेम स्टिच पर ही जहां हमने स्लिप स्टिच किया है ऐसे इनर साइड कर ले। यहां पे अंदर इस तरीके से देखिए आप इसको सिक्योर कर दें। यहां पे आप एक दो इस तरीके से नॉट्स भी दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक फिंगर हमारी रेडी हो गई है। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि नेक्स्ट फिंगर का वर्क इसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा। देखिए ऐसे थ्रेड ले लें, यहां से आप देख सकते हैं, देखिए जिस स्टिच पे हमने वर्क किया हुआ है सेम स्टिच, एंड इधर साइड की हमारी जिस स्टिच पे वर्क किया हुआ है सेम स्टिच पर हम ले रहे हैं। ज्वाइन कर लें थ्रेड को, देखिए इसको थोड़ा सा टाइट कर लें आप, एंड अगेन सेम स्टिच पर ही जहां हमने ज्वाइनिंग की हुई है जिस पे हमारा लास्ट इसका वर्क हुआ है इसी सेम स्टिच पर हम वर्क कर रहे हैं, 1 single crochet। यहां पे भी स्टिच मार्कर जरूर कर लें। इस थ्रेड को हम साथ में सिक्योर कर लेते हैं इसमें। देखिए ये हमारा 1 single crochet में वर्क हो गया, ये हमारा 2 है, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 single crochet का देखिए हमने वर्क किया है। ये इसको थोड़ा सा पुल कर लें, अब इसको इस तरीके से आप थोड़ा सा लॉन्ग लूप कर दें, एंड इधर साइड पे अब आप देखें कि ये फर्स्ट स्टिच थी। यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारा रहेगा लूप, ये इस पे हमें वर्क लेना होगा। कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी हमने 7 इधर वर्क किए हैं, ये हमारी 8th सिंगल क्रोशिया है, 9, 10, 11, 12, 13
देखिए अभी हमारे पास ये 13 है, लास्ट हमें देखिए इसी पे वर्क करना होगा, जो सेम स्टिच जिस पे हमने इधर साइड से भी वन सिंगल क्रोशिया लिया था, सेम इसी स्टिच पर ही अगेन हमें वन सिंगल क्रोशिया लेना होगा। मींस स्टार्टिंग की जो हमारी यहाँ की स्टिच थी जिस पे हमने लास्ट इस पे वर्क किया हुआ था, जो हमने यहाँ पे स्टिच चार थ्रेड अटैच किया था, इस पे हमें एक इधर साइड से एक इधर साइड से सिंगल क्रोशिया लेना होगा। मींस कि सेम स्टिच पर ही टू सिंगल क्रोशिया का वर्क हमारा हो रहा है। इस थ्रेड को आप यहाँ से कट कर दें। अब ये जो हमारी फर्स्ट स्टिच है लिटिल बिट टाइट हो जाती है, ये वाली स्टिच हमारी इस तरीके से, ये स्टिच थोड़ी सी हमारी टाइट हो जाती है। यस, वन सिंगल क्रोशिया हमारा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन। ठीक है, ये हमारी 14 हो गई। अब इसी को हमें 14 सिंगल क्रोशिया का वर्क ही ये राउंड बाय राउंड वर्क करना होगा। इसमें हमने 5 यहाँ पे राउंड्स लिए थे, इसमें हम 6 रोज वर्क कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसकी 6 रोज ये कंप्लीट कर ली है। सेम वे में हम क्लोजिंग करेंगे इसकी। सेम स्टिच पर ही हम लेंगे। देखिए ये हमारी फिंगर्स ये वाली रेडी हो गई है। नेक्स्ट फिंगर हम स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए सेम स्टिच पर ही हमने लिया है, सेम वे में ही वर्क हमारा होगा। इसमें देखिए बेनिफिट क्या होता है, आप यहां देख सकते हैं ये कोई भी होल नहीं है इस जगह पे। आपको जैसे कई बार क्या होता है इसमें होल्स आने लगते हैं, तो आपको अलग से फिर नीडल की हेल्प से इसको स्टिच करना पड़ता है। यहां आप देख सकते हैं कोई भी होल नहीं आ रहा है हमारा, अब एकदम प्रॉपर फिनिश लुक पे ही आता है। देखिए सेम स्टिच पर ही हमने ज्वाइन किया है थ्रेड को एंड इसे सेम स्टिच पर ही हम लेंगे वन सिंगल क्रोशिया। जस्ट मिनट, यहां पे देखिए हमें फर्स्ट स्टिच पर स्टिच मार्कर करना होगा। ये हमारी फर्स्ट स्टिच हो चुकी है, ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सेवन स्टिचेस हमने वर्क किया। इसको यहां से इस साइड कर लें, यहां से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पर हम वर्क करेंगे क्योंकि जो हमारी सेवेंथ स्टिच होगी वो हमें यहां स्टार्टिंग की सेम स्टिच पर ही करनी होगी। ये हमारी एट्थ हो गई सिंगल क्रोशिया, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड लास्ट वन 14। यहां से इसको टर्न कर लें।
कि वन हो गया, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन एंड लास्ट वन फोर्टीन। देखिए इसी तरीके से सेम वे में ही जैसे हमने ये दोनों रेडी की थी, इसको भी राउंड बाय राउंड वर्क करते रहे एंड इसकी भी हम फाइव फ्लोर्स यहाँ पे वर्क करेंगे। देखिए ये फिंगर भी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, अब ये लास्ट वन हम अपनी स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं एवरी फिंगर का स्टेप आप लोग को इसलिए बता दे रही हूँ कि आप लोग को वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई बिगनर्स हो जो इससे हेल्प ले रहे हो तो उनके लिए भी ये प्रॉपर इजी रहे। देखिए सेम स्टिच पर ही जहां हमने इसकी एंडिंग की थी यहीं पर ही हम इसको अटैच कर रहे हैं। वन सिंगल क्रोशिया, अब यहां से देखिए एक हम वर्क कर चुके हैं सिंगल क्रोशिया का, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, यस, क्योंकि ये हमारी ये स्मॉल वाली फिंगर का है इसके लिए हमने एक स्टिच इसमें कम की हुई है। दिस वन इज 13। अब इसी को ही हम राउंड बाय राउंड इसको वर्क कर लेते हैं, फोर टू फाइव फ्लोर जितनी आप वर्क करना चाहें। ये देखिए ये फिंगर भी हमने अपनी कंप्लीट कर ली, इसमें हमने टोटल फोर रोज वर्क की हुई है। तो फिंगर्स का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम अपने थंब के पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले आप देखिए एक्चुअली ये ब्लैक है तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए जहां पे ये हमने ये अटैच किया था इस पे हमें वर्क नहीं करना है, इसके नेक्स्ट स्टिच पे हम लेंगे। यहाँ पे अपना थ्रेड ज्वाइंट कर लें, अटैच कर लें थ्रेड को, और सेम स्टिच पर ही हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। सेवन हमने यहाँ पे देखिए स्पेसेस छोड़े थे, इसी सेवन पर हमने वर्क किया है। अब यहाँ से आप देखिए, जस्ट मिनट, यहाँ से देखिए ये टू स्पेसेस हैं तो इस पर हमें वन वन लेना होगा, बट हमें डिक्रीजिंग करनी होगी। यहाँ पे सिंगल यहाँ पे थ्रेड को ना लें, जस्ट सिंगल से ही हो जाएगा। चलिए देखिए एक हमने ऐसे लिया, नेक्स्ट वन हम अपना इस तरीके से देखिए नेक्स्ट वाले लूप से ले रहे हैं एंड वर्क इन वन। ये हमारी एट्थ स्टिच हो गई। देन अब हम इधर से इस साइड पे जाएंगे, यहां से जो हमारी ये फर्स्ट स्टिच है, देखिए यहां पे हमने आप लोग को बताया था कि हमने एक लूप पे इधर वर्क किया था, टू लूप्स हमने इसीलिए रखे थे क्योंकि हमें इधर वर्क करने में इजी रहेगा। देखिए नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व,
13 एंड द वेरी लास्ट वन 14. 14 हमने ये वर्क कर लिया इधर के. अब इधर अगेन हमें सेम वर्क करना होगा. एक स्टिच हमें इधर से लेनी होगी एंड एक स्टिच हमें इस साइड से लेनी होगी एंड 16 टोटल हमारे ये 16 सिंगल क्रोशिया का वर्क हुआ है. ये जो हमारी फर्स्ट स्टिच है इस पर अब हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे. हम राउंड बाय राउंड हमें वर्क करना होगा. वन सिंगल क्रोशिया हमने लिया, यहाँ स्टिच मार्कर कर लेते हैं. टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. देखिए सिक्स सिंगल क्रोशिया हमने लिया. नेक्स्ट के टू पर हमें नेक्स्ट के टू पर हमें डिक्रीजिंग करनी होगी. सेवन अगेन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड ये हमारी लास्ट के टू स्टिचेस हैं. जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये लास्ट के टू स्टिचेस हैं, इस पर हमें डिक्रीजिंग करनी होगी. अब यहां से हमें एवरेज स्टिच पे वन सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा, नो एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है. मैं आप लोगों को थंब पार्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मैं आप लोगों को उसको क्लियर कर देती हूँ. देखिए सेवन स्टिचेस हमने यहाँ पे स्किप किए थे, सेवन हमने यहाँ पे चेन्स ली थी. तो सेवन टू सेवन हमारे 14 ये हो गए. टू हमने इधर से वन किया था, टू इधर से वन किया था, 15 एंड 16 टोटल हमारे थंब की फर्स्ट रो में 16 सिंगल क्रोशिया का वर्क होगा. जब हम नेक्स्ट रो की वर्क करेंगे उसमें हमें 6 इधर वर्क करना होगा, 6 इधर 1 इधर डिक्रीजिंग करनी होगी दोनों साइड पे. तो हमारे सेकंड रो में 14 सिंगल क्रोशिया का वर्क हो जाएगा और उसी 14 सिंगल क्रोशिया को ही हमें राउंड बाय राउंड रिपीट करते हुए 5 to 6 जितने रोज आप वर्क करना चाहें उतने वर्क कर सकते हैं. देखिए इसमें हमने टोटल 5 रोज वर्क की हुई है. देखिए 1 2 3 4 5 तो ये हमारा एक हैंड का आप देख सकते हैं ग्लव्स रेडी हो गया है. बहुत ही सिंपल पैटर्न है और बहुत ही कंफर्टेबल भी रहता है एंड प्यारा भी लगता है. अब हम आपको इसके नेक्स्ट हैंड को कैसे वर्क किया जाएगा वो आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट हैंड. और इसमें जो है थोड़ी बहुत चीजों का बस डिफरेंस रहता है तो उन चीजों को हम आपको क्लियर कर देते हैं. देखिए इसके सेकंड पार्ट जो हमें वर्क करना होगा उसके लिए देखिए पहले हम इतना पार्ट सेम वर्क यहां तक का हम कंप्लीट कर लेते हैं. ये हमने देखिए सेम वर्क यहां तक का ये कंप्लीट किया हुआ है. यहां तक में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, चेंजेस हमें थंब पॉइंट से ही करनी होगी. तो जैसे जब हमने यहां पे वर्क किया था ये हमारे लास्ट स्टिच है, पहले हम यहां कलर चेंज कर लेते हैं. अब यहां से देखिए हमने जब वर्क किया था इसमें थंब पार्ट में तो यहां से हमने फर्स्ट स्टिच से ही 7 चेन्स ली थी एंड 7 स्टिचेस को स्किप किया था. बट जो हमें सेकंड हैंड का अपने वर्क करना होगा उसमें देखिए यहां पे हमें चेंज करना होगा. यहां से हमें एवरेज स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया का वर्क लेना होगा एंड यहां पे 7 स्टिचेस बिफोर तक हमें वर्क करना होगा. यहां के 7 स्टिचेस पे हमें वर्क नहीं करना होगा. ये देखिए यहां तक हमने वर्क किया है, यहां हमारी 7 स्टिचेस पर हमने वर्क नहीं किया. 1 2 3 4 5 6 7 यहां से 7 चेन्स लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 यहां के फर्स्ट वाले पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, स्टिच मार्कर इस पे कर दें. देखिए दोनों हैंड के थंब पॉइंट में हमारा यही चेंजेस रहेगा कि जो एक हैंड का हमारा ये रहेगा इस हैंड का, इसमें हमने देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 7 चेन्स ले ली थी एंड 7 को स्किप कर दिया था. एंड जो हमारा इस हैंड का रहेगा सेकंड हैंड का उसमें हम स्टार्टिंग के बजाय एंड में वर्क करेंगे इसको. अब आगे का ओवरऑल वर्क जो इसका रहेगा यहाँ तक का ये सेम वर्क ही ये रहेगा. ज-
जैसे हमने ये वर्क किया था, सेम इसी वर्क को कंप्लीट कर लें। फिर फिंगर्स के पार्ट पे जब हम आएंगे, यहाँ की जब हम टू रोज कंप्लीट कर लेंगे, तो फिंगर का पार्ट थोड़ा सा हमारा चेंज रहेगा, वो हम आप लोग को बताते हैं। ये देखिए, ये यहाँ तक हमने अपनी रोज कंप्लीट कर ली है सेम वे में जैसे कि हमने इसमें वर्क किया था। अब हमारा ये फिंगर के वर्क पे है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो फर्स्ट स्टिच है, ये हमने एक स्टिच मार्कर यूज किया है दोनों साइड के ये हाफ ऑफ करने के लिए। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हमारे इधर होंगे, 25 हमारे इस साइड पे होंगे, क्योंकि ओवरऑल में ये हमारे 50 स्टिचेस हैं। अब देखिए हमें इसी पर ही वर्क करना होगा, इसी 50 स्टिचेस पर ही। देखिए इस तरीके से हाफ करने के से हमारे ये होगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हाफ हमारा है, 7 स्टिचेस हमें इधर लेने होंगे, 7 इधर लेने होंगे। पहले हम इधर से 7 को काउंट कर लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन इधर से 1, 2, देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है इसका, देखिए यहाँ पे हमारे 7 स्टिच हो रहे हैं, एक्चुअली एक हमने बाय मिस्टेक आगे कर दिया है, ये हमारे 7 स्टिचेस हो गए हैं। अब हमें यहाँ से 7 इस साइड लेने होंगे, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देखिए वर्क हमें सेम वे में करना होगा, बस हमारा जो फिंगर का ये फर्स्ट फिंगर है इसको किस तरीके से सेट करना है, बस इतना ही हमारा डिफरेंस होगा, बाकी ओवरऑल में हमारा फिंगर्स का वर्क सेम वे में हुआ होगा। देखिए इसी तरीके से इस फिंगर को राउंड बाय राउंड कंप्लीट कर लेंगे एंड नेक्स्ट के सारे फिंगर्स एंड थंब को कंप्लीट करके फिर हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा भी लग रहा है पैटर्न ये, एंड बहुत इजी भी है इसको रेडी करना। दोनों हैंड को किस तरीके से सेपरेटली रेडी किया जाएगा ये भी मैंने आप लोग को क्लियर बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को पैटर्न को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके अपनी सारी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कि जो एक नोटिफिकेशन बेल दी रहती है, बेल आइकन, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।